नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और अष्टक वर्ग 24 और हम लोग शोध पिंड प्राप्त कर रहे हैं और आज और वर्तमान अभी जो प्राप्त करेंगे वो मंगल का शोध पिंड प्राप्त करेंगे। आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है, ये राशि गुणाकर है, हमने यहाँ राशि गुणाकर लिखा। अब ये ग्रह गुणाकर है तो यहाँ ग्रह गुणाकर लिखा है कि जिस राशि में अंक जो प्राप्त होगा उससे इसको गुना करेंगे और जो कुल अंक प्राप्त होगा उसी को हम लोग पिंड कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सूर्य और चंद्रमा की बात हो गई थी तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ से सूर्य चंद्रमा को पहले मिटा लेते हैं। अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल के एकाधिपत्य शोधन के पश्चात प्राप्त अंक, ये हमने अपने सुविधा के लिए लिख रखा है, आप देखेंगे यहाँ और अपने नोटबुक से मिला लीजिएगा। तो मंगल के लिए पहले 4, फिर 0, फिर 0, फिर 4, फिर 0, 0, 0, फिर 3, 2, 1, वन और फिर 0, ये हो गया। ये एकाधिपत्य शोधन के पश्चात मंगल के वर्ग में प्राप्त अंक है। अब वृश्चिक राशि का गुणाकर यहां से हम लोग ढूंढ लेंगे। वृश्चिक राशि का गुणाकर देखिए 8 है तो यहां 8 लिख देते हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोग इसको गुणा करते हैं इसीलिए अब आप सिर्फ हम आपके लिए बताते हैं। धनु राशि के लिए गुणाकर कितना है 9, मकर के लिए गुणाकर कितना है 5, कुंभ के लिए गुणाकर कितना है 11, मीन के लिए कितना है 12, मेष के लिए कितना है 7, वृष के लिए कितना है 10, मिथुन के लिए कितना है 8, कर्क के लिए कितना है 4, सिंह के लिए कितना है 10, कन्या के लिए कितना है 5 और तुला के लिए 7। अब ये गुणाकर है और ये सेम रहेगा, बदलेगा क्या ये, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसी पाठ में हम बाकी के जो 5 राशि और ग्रह के गुणाकर हमको प्राप्त करने, 5 ग्रह के शोध पिंड प्राप्त करने हैं वो यहीं प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए इसको हम लोग को सीधा मल्टीप्लाई करना है तो ये तो राशि है इसीलिए इसको हम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ ये जानकारी के लिए। अब इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब 9 को 0 से तो 0, 5 को 0 से 0, 11 को 4 से 44, 12 को 0 से 0, 7 को 0 से 0, 10 0 से 0, 8 मल्टीप्लाइड 3 24, 2 मल्टीप्लाइड 4 8, 10 को 1 से 10, 5 को 1 से 5 और यहाँ 0। ये हमारा पिंड प्राप्त हो गया, किसका, राशि का पिंड प्राप्त हो गया। अब इसको कुल करते हैं तो 2, 4, 6, 6, 4, 10, 8, 18, 5, 23 के 3 हाथ में 2 और 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12 तो ये 123 अंक। अब हम यहाँ लिखते हैं राशि पिंड 123। अब ग्रह पिंड निकालना है तो ग्रह पिंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इस वाले इसमें आइए, इस वाले इसमें आते हैं तो सबसे पहले क्या है कि वृष राशि में जो अंक प्राप्त है वृश्चिक में 4, ये सबसे पहले यहां 4 लिख देते हैं। इसके बाद हमको प्रयोग में नहीं है सारी राशियां, जितनी प्रयोग में है हमने उतना ही लिखा है। अब यहाँ कुंभ ले लेते हैं तो कुंभ के में कितना प्राप्त अंक है 4, तो ये 4 ले लेंगे। और अब कौन सा आएगा तो हमारे लिए आएगा सिंह, सिंह में कितना अंक प्राप्त है 1, तो 1 ले लेते हैं। और कन्या, और कन्या में कितना अंक प्राप्त है 1, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब गुणाकर को हम लोगों को याद रखना है कि मंगल के लिए कितने से गुना होगा, यहां देखिए मंगल के लिए 8 से, तो मंगल को यहां 8 लिख देते हैं और चंद्रमा के लिए 5, चंद्रमा के लिए 5,
शुक्र के लिए 7 और शनि के लिए 5, सूर्य के लिए 5 और बुध के लिए 5। मंगल, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। सूर्य के लिए 5 और गुरु के लिए क्षमा चाहेंगे 10। ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और चंद्रमा के लिए भी 5 है तो यहाँ 5 लिखना। अब इसी 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और इसी 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इस 10 को इससे 40, अब 7 को 1 से करेंगे तो 7, और 5 को भी 1 से करेंगे तो 5, और फिर 5 को 1 से करेंगे 5, फिर इस 5 को 1 से करेंगे तो 5। अब कुल देख लीजिए, 2, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, और 19 और 5 फिर 24, 24 के 4 हाथ में 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 11, 114। अब यहाँ मंगल का शोध्य पिंड कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 7, 2, 1, 3 और 2, 237 हो जाएगा ये मंगल का। अब हम लोग बुध का प्राप्त करेंगे। अब हमको क्या है कि ये अंक और ये टोटल मिटाना है, क्योंकि गुणाकर तो सेम ही रहेगा, गुणाकर में कोई परिवर्तन नहीं आना है, तो इसलिए हम लोग गुणाकर को नहीं छेड़ेंगे। हम लोगों को ये अंक मिटा देना है, कुल अंक मिटाना है, ये सारे अंक हटा देने हैं। आगे जो नया बुध के लिए, जो बुध के एकाधिपत्य शोधन के पश्चात जो प्राप्त अंक इस राशि में है उसको ले लेना है। तो यहाँ से भी मंगल का काम हो गया, मंगल का हमने हटा दिया। आगे बढ़िए, बुध का लेते हैं 3, 1, 0, तो यहाँ लिखते चलिए 3, 1, 0, 5, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4 और 0। अब क्या है, देखिए साधारण है। अब गुणाकर तो सबका मैंने पहले ही लिखा हुआ है, अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 0, यहाँ 7 से 0 को 0, ये 10, यहाँ 8, और ये 8, और ये 30, और ये 20, और ये 0। कितना सरल हो गया ना। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4, 9, 4, 13, 13 और 5, 18, 18, 18 और 8, 26, 26, 8, 34, 34, 34 का यहाँ 4 हो गया, 1 बच गया, तो 2, 1, 3, 3, 3, 5, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 3, 12, 13, 14, तो 144। अर्थात ये राशि पिंड कितना प्राप्त हुआ हमको, 144। अब प्लस माइनस में अगर गुना भाग करने में कहीं छोटी मोटी गलती होती है तो आप स्वयं सुधारिए, मानवीय भूल संभव है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना है। आपको ये प्रोसेस समझ में आया, ये नियम, ये रूल समझ में आया कि नहीं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। अगर छोटी मोटी भूल हो गई हो तो आप उसको क्षमा करेंगे। आगे हमने ये देख लिया, अब हमको क्या करना है कि ये अंक हमको अब मिटा देना है। अब अंक किसका लेना है, बुध का लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिया। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहीं से ले लेते हैं। वृश्चिक में कितना अंक है, 3, तो यहाँ वृश्चिक राशि है, 3 ले लिया। उसके बाद कुंभ में गुरु है तो कुंभ में कितना अंक है, 5, तो यहाँ 5 ले लिया। कुंभ के बाद सिंह में, सिंह राशि शुक्र शनि, तो सिंह में 3 अंक है तो यहाँ 3 ले लिया, और कन्या में 4 अंक है तो यहाँ 4 ले लिया। अब क्या है कि ये गुणाकर कभी नहीं बदलना है, ये गुणाकर हमेशा फिक्स है। राशि के लिए मेष में 7, वृष में 10, मिथुन में 8, इसको नोट कर लीजिएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो जाए। और ग्रह के लिए सूर्य 5, चंद्रमा 5, मंगल 8, बुध 5, गुरु 10, शुक्र 7 और शनि 5।
बस इसका ध्यान रखना है। अब क्या है कि ये जो पहले हमने किया हुआ था इसको हम मिटा लेते हैं और फिर अब बुध के लिए कर रहे हैं, अब हम लोग बुध के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से अलग अलग मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो ये 24 और ये 15 और ये 50 और ये 21 और ये 15 और ये 20 और फिर ये 20, तो अब जोड़ लीजिए 4, 5, 9, 1, 10, 5, 15 के 5, हाथ में 1 है, 2, 1, 3, 1, 4 और 5, 9, 2, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, तो 165। और ये 165 क्या है? ग्रह पिंड है। हम इस ओर राशि पिंड निकाल रहे हैं और इस ओर ग्रह पिंड निकाल रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना। इसको जोड़ लेते हैं 9 और 6, 4, 10 के 0, हाथ में 1, 2, 1, 3, 309 प्राप्त हुआ। किसका? ये बुध का शोध पिंड हो गया। अब हम लोग देख लिए कि गुरु मंगल का शोध पिंड 237, बुध का शोध पिंड 309। अब आगे बढ़ते हैं और फिर इसको हम लोग मिटाएं, और मिटा करके अब हम लोग किसकी बात कर लेंगे? गुरु की बात कर लेंगे, और गुरु को किस तरह से अंक प्राप्त है वो यहाँ से हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो 050 आप लोग अपने जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप यदि नोटबुक में बनाए हैं तो आप अपने पेज में पहले से ही टेबल बना के रखिए और हमारे साथ साथ बनाते रहिए, आपको और भी सरल हो जाएगा। अच्छा, गणित कैलकुलेशन जो कुछ भी है वो अभ्यास से आता है, इसीलिए 2-4 पत्रिका पे यदि कर लिए तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो 050 01 01 40 10 40। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करते चलना है। तो अब 0 से तो यहाँ 0 ही, ये 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देख लीजिए 5 है तो 45, अब ये 0 ही, और 11 से करना है तो अब ये 11 हो जाएगा, यहाँ ये 0, ये 7 हो जाएगा, यहाँ यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 8 के जगह पे अभी यहाँ पे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और ये 5 को 4 से करते हैं तो 20 है पहले से भी, तो 20 ही रहेगा और ये 0। अब इन टोटल को हम लोग बदलते हैं कि कुल अंक कितना प्राप्त हुआ, तो देख लीजिए 5, 1, 6, 7, 6 और 7, 6, 13, 13 और 4, 17, 17, 7, 1, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, 127। अब हम लोग किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं? तो यहाँ गुरु लिख देते हैं, तो ये राशि पिंड आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया? 127। अब हम लोगों को क्या प्राप्त करना है? ग्रह पिंड प्राप्त करना है। ग्रह पिंड प्राप्त करने के लिए इधर आएंगे तो ये अंक सबसे पहले हम लोगों को हटा देना है, और अंक क्या लेना है? यहाँ से देख लीजिए वृश्चिक में 0 है तो यहाँ 0 ले लीजिए। अब वृश्चिक के बाद कुंभ में वहाँ ग्रह है तो कुंभ में कितना है? तो 1 है तो 1 ले लीजिए। कुंभ के बाद हम लोग सिंह में चलते हैं, सिंह में 0 है तो यहाँ 0 ले लीजिए, और सिंह के बाद कन्या में चलते हैं, कन्या में 4 है तो यहाँ 4 रख लीजिए। अब गुणाकर वही रहेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 5 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये दोनों 0 हो जाएंगे, 7 से करेंगे तो 0 और 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब ये 5 से करेंगे 20 और इसको 5 से करेंगे 20, तो ये रहेगा। अब ये कुल बदल जाएगा, कुल कितना हो जाएगा वो जोड़ के देख लेते हैं, तो यहाँ हो गया 20, 40 और 10, 50 ही कुल अंक आए। तो यहाँ ग्रह पिंड कितने आए? 50 और 7, 5, 2, 7 और 1, अर्थात ये हो गया गुरु के लिए शोध पिंड। अब आगे हम लोग शोध पिंड पे ही सारा फल कथन होगा, सर्वाष्टक वर्ग पे फल कथन होगा,
तो ये कैलकुलेशन हमारा समाप्त हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग बुध के बाद गुरु का निकाल लिए और गुरु के बाद अब हम लोग शुक्र का निकाल लेते हैं। तो शुक्र का निकालने के लिए पहले हम लोगों को ये शुक्र का ही एकाधिपत्य शोधन के पश्चात शुक्र के वर्ग में प्राप्त अंकों को यहाँ क्रमानुसार लिखना है। तो शुक्र के वर्ग में प्राप्त है वृश्चिक राशि में 1, धनु राशि में 3, मकर राशि में 1, कुंभ राशि में 0, मीन राशि में 0, मेष राशि में 1, फिर वृष राशि में 0, फिर मिथुन राशि में 0, फिर कर्क राशि में 0, सिंह राशि में 0 और कन्या में 2 और तुला में 2। अब ये गुनाकर तो वही रहेंगे, अब हमको गुना करके ये अंक बदल देने हैं, 8 और ये 27 हो जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आप लोग समझ गए हैं, अब ये 0 हो जाएगा, अब ये 7 ही है तो 7 × 1 = 7 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 8 0 4 के लिए ये 0 हो जाएगा, अब 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब कुल भी अब किसके अनुसार हमको करना है, शुक्र के लिए निकाल रहे हैं, तो अब ये कुल कर दीजिए 8 7 15 5 20 7 27 27 और 4 27 और 4 31 1 3 2 5 5 1 6 1 7 71 8 7 15 5 20 7 27 और 4 31 1 3 2 5 5 1 6 1 7 71। तो अब हम लोग यहाँ शुक्र के लिए कर रहे हैं, तो शुक्र के लिए राशि पिंड कितना प्राप्त हो गया, 71। अब हम लोगों को ग्रह पिंड निकालना है, तो ग्रह पिंड के लिए सबसे पहले जो गुरु के अंक हैं उसको हटा लीजिए, आप तो दूसरा बना लीजिएगा। अब यहाँ देखिए वृश्चिक में 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, कुंभ में 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, कुंभ के बाद सिंह में ही ग्रह है तो यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, और कन्या में भी ग्रह है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कन्या में 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ ये 5 हो जाएगा और ये 10 के जगह पे 0 हो जाएगा, 7 0 5 0 और ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 8 5 13 13 का 3 और 1 1 2 1 3 कितना हो गया, कुल देखिए 8 5 13 ठीक है 33, तो ये कुल कितने ग्रह पिंड हो गए, 33। अब ये हमको शुक्र का शोध पिंड प्राप्त हो गया, 3 1 4 और 7 3 10, ये 104 इसके शोध पिंड प्राप्त हो गए शुक्र के। अब हम लोग जल्दी से फिर शनि का भी प्राप्त कर लेते हैं कि शनि के शोध पिंड कितने हैं, तो देख लीजिए ये मिटाना है हमको, ये ध्यान रखना है कि अब हम शनि का कर रहे हैं तो शनि के वर्ग में एकाधिपत्य शोधन के पश्चात प्राप्त अंकों को लिखना है, तो 0 0 5 0 1 2 0 0 3 0 3 1 अब इसी को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ 0 ये भी हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 5 है तो ये 25 हो जाएगा, अब ये 0 ये 12 हो जाएगा, यहाँ ये 14 हो जाएगा, ये 0 ठीक है, ये 0 ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ 15 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो हम लोग अब इसका टोटल कर लेते हैं,
तो देखिए 5, 2, 7, 4, 11, 12, 13 और 5, 18, 7, 25 5, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 85। तो अब इधर लिख लेते हैं शनि के लिए। अब हम लोग किसका बना रहे हैं, शनि का। अब ये राशि पिंड कितना प्राप्त हो गया, 85। तो हम लोग यहाँ 85 लिखे। अब यहाँ ये अंक बदल लेंगे और यहाँ जो अब वृश्चिक में अंक प्राप्त है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। कुंभ में प्राप्त है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। सिंह में प्राप्त है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। और कन्या में प्राप्त है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब सब 0 हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ नियम का पालन करना है। तो हम लोग उसी आधार पे चलते हैं। अब ये 0 हो गया, तो ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये 7 से मल्टीप्लाई, 5 से 0, और ये 15, और ये 15, अर्थात यहाँ 30 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ 30 हो गया ग्रह पिंड। अब यहाँ ग्रह पिंड 30 हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं शनि का शोध्य पिंड। अब शनि को कितना शोध्य पिंड प्राप्त हो गया, तो ये 5 और 8, 3, 11 115 प्राप्त हो गया। अब पहले हम लोगों ने सूर्य का पढ़ा, चंद्रमा का पढ़ा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये शनि के शोध पिंड निकाल लिए। अब आपको इतने की जरूरत नहीं। अब इस शोध पिंड, ये हमको क्या है ना कि ये अर्क प्राप्त हो गया। अब इस शोध पिंड के आधार पे हम लोग आगे अष्टक वर्ग को पढ़ेंगे। हमने प्रयास किया, जल्दी जल्दी बताने का भी प्रयास किया, क्योंकि एक ही चीज़ आपके समझ में आ जाए। यदि आपके समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर से किसी दूसरे पत्रिका के ऊपर इसको प्राप्त करेंगे और साथ के साथ जैसे सूर्य का अलग से प्राप्त करेंगे और सूर्य पर ही प्रिडिक्शन ले लेंगे, फिर चंद्रमा का प्राप्त करेंगे, फिर चंद्रमा से जितना हम बता सकते हैं वो बताते हुए आगे निकलेंगे। तो वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा और हम अष्टक वर्ग के आधार पे फल कथन कैसे कहते हैं उसको समझ लेंगे। यहाँ किसी भी ये शोध पिंड प्राप्त करके हम अशुभ समय की जानकारी को प्राप्त करेंगे संदेश के रूप में। अगले क्लास में यही होगा, पिता की मृत्यु कब होगी, हमारी मृत्यु कब होगी, भाई का के साथ कोई अनहोनी हो सकता है क्या, माता के को परेशानी हो सकती है क्या, तो ये हमको शोध पिंड से प्राप्त होगा। और सातों ग्रहों के कारकत्व के फल को भी हम लोग यहाँ सूक्ष्मता से समझेंगे। कोई परेशानी हो, आपके पास उपलब्ध है हमारा नंबर, आप फोन कर सकते हैं, संकोच करने की जरूरत नहीं है। कुंडली विश्लेषण के लिए विशेष रूप से आपको समय लेकर के बात करना होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।